नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे कैविटी की, आपके अपने कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, दांत आपकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, लेकिन ये पीले सड़े गले हुए हों तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। दांतों का सड़ना, पीलापन आना, छेद होना, कीड़े लगना, ये इतना आम है कि दुनिया में दूसरी बड़ी समस्या दांतों की है। और दांतों की इन समस्याओं में से एक बड़ी परेशानी है कैविटी। बच्चों में कैविटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कैविटी क्या है, क्या लक्षण होते हैं इसके, कैसे ध्यान रखना है इसका, कैविटी हो जाए तो क्या इलाज है इसका, बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति, जो कि दंत रोग विशेषज्ञ हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अगर आपको भी दांतों से संबंधित कोई भी परेशानी और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैविटी, जिस पर हम आज चर्चा करें, या फिर मैं कहूँ डेंटल कैरीज, क्या होती है बेसिकली? डेंटल कैरीज बेसिकली दांत में जब इन्फेक्शन लग जाता है तो उसमें एक स्पेस क्रिएट कर देती हैं। इट इज फॉर्म्ड बिकॉज टूथ स्ट्रक्चर गेट्स डीमिनरलाइज्ड, सो वी कॉल इट एज कैविटीज या डेंटल कैरीज। इसको हिंदी में लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कीड़ा लगना, दांत में कीड़ा लग जाना, तो दर्द होना या डिस्कलरेशन होना, तो इसी तरह से छोटे बच्चों में, बड़ों में, सभी में पाई जाती है जी। तो स्वाति जी, ये तो आपने बता दिया कि किन्हें हम डेंटल कैरीज है और या फिर मैं कहूँ आम भाषा में कैविटी कहेंगे जी। क्या होता है, लेकिन बहुत बार आम जनता को पता नहीं लग पाता कि कैविटी जो है उनके दांतों में घर कर गई है, तो किस तरह हम, किन लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कैविटी हो रही है, वो जानना चाहूंगा आपसे जी। बहुत से मरीज आते हैं मेरे पास जिन्हें मालूम नहीं होता उनके दांतों में टूथ डीके शुरू हो चुका है। बेसिकली दर्द होने से सबसे पहले लोगों को इस बात की चिंता होती है कि दर्द क्यों हो रहा है दांतों में। हम ये मानते हैं कि सबसे पहला लक्षण जब दांतों में कैविटी होती है तो दांत में एक छोटा सा स्पेस क्रिएट ऊपर से दिखाई पड़ता है या फिर डिस्कलरेशन दिखाई देता है, जो कि रंग में फर्क आ जाना दिखता है, या तो कालापन हो सकता है या ब्राउन कलर का स्पॉट हो सकता है। एक प्रकार की होती है जिसमें कि सफ़ेद रंग के स्पॉट्स भी पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इनिशियल केरीज, जो कि एकदम शुरुआती दौर में आती हैं और इनसे भी आसानी से निपटा जा सकता है, बट चेकअप की ज़रूरत है। तो आई थिंक पहले दिखाना ज़रूरी है, पीरियोडिक चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिपेंड्स कि किस लेवल का है, मतलब केरीज अगर बहुत ज़्यादा गहरी है या इनिशियल है तो हम अलग किस्म से, मतलब बताते हैं, ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, चेकअप करवाएं नियमित रूप से, तो उसी से बचा जा सकता है, यही एक तरीका है जी। तो दर्शकों, अगर आपको भी दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है और उसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा स्वाति जी, आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या लक्षण होते हैं, किससे आदमी पता कर सकता है, लेकिन क्या कारण होता है कैविटी होने का, वो जानना चाहेंगे आपसे। दांतों में कैविटी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जी, जो कि आपके मुंह के अंदर कैसा वातावरण है उससे प्रभावित होती हैं। आपके मुंह में जो सलाइवा है उसका क्या पीएच है, थोड़ा सा मुंह के अंदर जो सलाइवा यानी थूक जिसे हम सिंपल भाषा में समझें तो उसका पीएच हल्का सा एसिडिक रहेगा, और उसके अलावा आप जो खाना ले रहे हैं, जिसे आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं मीठा, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाए। स्वाति जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से तृप्ति हैं। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए। मैम, मैंने ना 2014 में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया था, उसके बाद मेरा 2015 में जो फिलिंग था वो निकल गया, और अभी तक मैंने उसको वापस फिलिंग नहीं करवाया, तो क्या मुझे वो वापस करवाना चाहिए या फिर उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी तृप्ति, आई होप दर्द ना हो आपको ज़्यादा, बट मैं आपको पहले ये समझाना चाहूँगी कि रूट कैनाल थेरेपी एक स्टेज्ड थेरेपी है,
जिसमें आपको सबसे पहले अपना रूट कैनाल फिनिश करने के बाद एक फिलिंग करवानी है, जिसे कि परमानेंट फिलिंग कहा जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे एक क्राउन दिया जाता है ऊपर से। तो यदि आपने क्राउन नहीं करवाया है तो यही कारण है कि आपकी रूट कैनाल जो है वो फेल हो सकती है, आपकी फिलिंग फ्रैक्चर हो सकती है। और मेरी यही राय होगी आपको कि एक बार एंडोडोंटिक स्पेशलिस्ट के पास जा कर के इसका एक एक्सरे करवाएं, फ्रेश एक्सरे, और यदि वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं फॉर फिलिंग एंड क्राउन। स्वाति जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामकिशन जी हैं अलवर से। रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। ठंडा या गर्म भी खा दो जी, चले दांतों में कीड़ा, जी जाड में देख। हाँ जी जी, रामकिशन जी अपना सवाल कीजिए। एक्चुअली क्या है कि काफी सेंसिटिविटी जो होती है दांतों में काफी बढ़ गई है, तो उसके बारे में कुछ मैं समझ पा रही हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ठंडा गर्म पानी लगता है। बिल्कुल, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली चीज़ तो उनके मसूड़ों की हेल्थ कैसी है, क्या दांतों में वाकई कोई डीप कैविटी है जो कि उनकी ऊपरी सतह को पूरा गला चुकी है, और एक्सरे करना बहुत आवश्यक हो जाता है ऐसे केसेस में। और ज़्यादातर यंग और मिडिल एज्ड जो पेशेंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते हैं ठंडा गर्म पानी नहीं पी सकने की। और इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाकर एक चेकअप करवा लें। वो ये देखकर बता देंगे कि क्या ये सिर्फ जिंजाइवा यानी मसूड़ों से रिलेटेड है, या फिर ये उनके दांत में वाकई में कोई केरीज हुई है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन है। दांतों की रूट्स होती हैं, रूट्स में उनके इन्फेक्शन लग जाता है, तो उसकी वजह से दांत में जो भी खून का और नर्व्स का सप्लाई है वो इफेक्ट होकर पेन देता है। सेंसिटिविटी का मेन कारण है आपका टूथ का स्ट्रक्चर, या तो ऊपर की तरफ से जहाँ दांत का जो हिस्सा दिखाई पड़ता है वो गल जाए, केरीज हो जाए, या फिर उनकी जड़ों में इन्फेक्शन। तो एक्सरे से ये पता लगाया जा सकता है कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है, और अगर बहुत गहरा इन्फेक्शन है तो रूट कैनाल थेरेपी इज़ द ऑप्शन, इट इज़ द आइडियल चॉइस फॉर ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद मैंने जैसा बताया कि उसके बाद एक फिलिंग और क्राउन किया जाता है ऊपर से, तो वो बहुत ज़रूरी है करना। जी स्वाति जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह होता है, क्या रीज़न होते हैं, क्या लक्षण होते हैं इसके, लेकिन अगर सेग्रीगेट करना चाहें इसे कैटेगरी वाइज, कैविटी को खास तौर पर, तो किस तरह सेग्रीगेट किया जा सकता है? कैविटीज़ आप ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हैं कि इनिशियल कैविटीज़ जो होती हैं, जो इनिशियल डेंटल केरीज के नाम से जानी जाती हैं, जो शुरुआती दौर में, बहुत ही शुरुआती दौर में होती हैं, उन्हें सुपरफिशियल भी कहा जाता है, और उनकी फिलिंग के लिए हम लोग फ्लोराइड एप्लीकेशन से उनको बचा सकते हैं। अगर ऑलरेडी हो गई हैं तो पिट एंड फिशर सीलेंट्स, एक तरह के सीमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल दांतों की तरह के रंग के होते हैं, उससे उनको वहीं के वहीं रोका जा सकता है। यदि केरीज नेक्स्ट लेवल पे आ रही हैं तो हम उसको एक फिलिंग के द्वारा, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फिलिंग के द्वारा उसको रोक सकते हैं, और उसको एक प्रिवेंशन के तौर पे भी देखा जाए तो उस फिलिंग में कुछ लेवल्स होते हैं जो डेंटिस्ट आमतौर पे समझते हैं कि अंदर उसको इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग या डायरेक्ट पल्प कैपिंग के थ्रू भी बचाया जा सकता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा किया जाता है। और अगर केरीज बहुत ज़्यादा डीप है, विच इज़ अप्रोचिंग द पल्प, द इनर मोस्ट सेक्शन ऑफ द टीथ, तो उस केस में रूट कैनाल आइडियल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। जी स्वाति जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कब ऐसा लगने लगता है कि नहीं यार, अब तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, उसके दांतों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, ऐसा कब देखने को मिलता है और रेफर कब हो सकता है? आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जनरलाइज्ड जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एक से ज़्यादा दांत जिनके इन्वॉल्व होते हैं और साथ में उनकी बॉडी में मेडिकली भी कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन है, उन लोगों के लिए हम ये मानते हैं कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। एट दी अर्लीस्ट हम ये कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं उनको हम रिमूव करके और रिहैबिलिटेट करते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगेन आई वुड से डायबिटीज़ है, तो ये मेन बीमारियां हैं जिनमें कि पेशेंट को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे देखे गए हैं हार्ट के इन्फेक्शन वगैरह
बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेंटल केरीज से अप्रोच करते हुए बॉडी को भी अफेक्ट करती हैं. माउथ इज बेसिकली अ मिरर ऑफ योर बॉडी, सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन द गट इन द बॉडी इट इज ईजिली आइडेंटिफाइबल इन द माउथ. बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके लक्षण भी आप मुँह से बता सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसी लेवल पर इन्हें रोकें. और प्रिवेंशन के तरीके हम तभी बता सकते हैं जब मरीज रेगुलरली विजिट करें. स्वाति जी, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, रीति जी हैं अलवर से. रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए. मेरे दांतों में कैविटी हो गई है तो क्या करना चाहिए? हेलो रीति, आप दांतों में कैविटी की बात कर रहे हैं. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये कैविटी आपको कोई तकलीफ दे रही है या सिर्फ ये दिखाई दे रहा है ऊपर से आपको कि एक छोटा आपके डिच है या कोई टूथ स्ट्रक्चर आपका टूटा हुआ है? क्या आप बता सकेंगे? कुछ ठंडा खाएंगे तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी, गर्म खाएंगे तो पेन होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा पेन होता है. आप इसके लिए सबसे पहले एक प्लीज़ एक्सरे करवाएं, एक डेंटिस्ट को विजिट करें एट द अर्लीस्ट, और वो ये देखकर बताएंगे. मैंने पहले भी बताया है कि किस किस्म की केरीज हैं, क्या ये मसूड़ों से रिलेटेड है या आपके दांतों में वाकई में कोई इशू हो रहा है जो कि पल्प पे अप्रोच कर रहा है, और अगर बहुत डीप है तो फिर रूट कैनाल करके ही इसे बचाया जा सकता है. जी स्वाति जी, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट होता है, उसे कैविटी की प्रॉब्लम होती है, उसे दांत निकालने तक की नौबत भी आ सकती है क्या कि उसे अपना दांत निकलवाना पड़े? जी बिल्कुल, ये देखा गया है, बहुत ही कॉमन है आजकल कि दांत निकाल देते हैं डेंटिस्ट, बट बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जो कि दांत को निकालने के बजाय प्रिवेंशन पे जोर देते हैं. बिकॉज ऐसा कोई कॉन्टैक्ट हम क्राउन से या फिलिंग से अचीव नहीं कर सकते जो नेचुरल दांत में होता है, तो कोशिश करके हम दांत को बचाने की ही मतलब जोर देते हैं. लेकिन यदि आपकी दांतों की जो कैविटीज़ हैं वो बहुत डीप हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपके पेन हो रहा है और आपके और भी इश्यूज आ जाते हैं, तो बेटर ये होता है कि हम एक्सरे करके इवैल्यूएट करें. और यस, अगर बहुत डीप है, अगर नहीं रिहैबिलिटेट हो सकता है, तो निकालने का एंड ऑप्शन तो निकालने का है ही. जी, आजकल एक्चुअली स्वाति जी क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर मैं कहूँ जो मेजर जो लोग होते हैं, वो भी बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, कम एज में ही जो दांतों की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है लोगों में, तो क्या रीज़न होता है इसका? बाहर का खाना और या फिर स्पेसिफिकली कोई फूड होगा उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो जानना चाहेंगे आपसे. इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि खाना खाना कोई बुराई नहीं है, बाहर का हो या घर का, बट बहुत सारे केमिकल्स जो बाहर के खाने में पाए जाते हैं, फूड कलर्ड एजेंट्स होते हैं, नॉन फूड एजेंट्स भी होते हैं जो कि अनफ्रेंडली टू द ओरल कैविटी हैं, वो भी बाहर के खाने में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, हरा रंग, ऑरेंज कलर, येलो कलर, तो डिस्कलरेशन बहुत ज़्यादा देते हैं दांतों में. मतलब बेसिकली कलर्ड फूड अवॉइड करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करके आर्टिफिशियल कलर्ड फूड अवॉइड करना चाहिए. इसके अलावा प्रेजर्वेटिव्स अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज उनमें जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो दांत की डिसोल्यूशन करते हैं, बेसिकली उसे गलाते हैं. और हम यही एडवाइस करते हैं कि यदि आप खाना भी बाहर का खाएं, लेकिन आप दांतों की नियमित सफाई रखें, आप स्केलिंग करवाएं एटलीस्ट वंस इन वन ईयर, एंड उसके अलावा आप दो बार ब्रश करें, ऑल्टरनेटिवली आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं. तो यही तरीके हैं कि हम कुल्ला करके सफाई रख के दांतों को मेंटेन कर सकते हैं. जी स्वाति जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी जो आपने अभी बताया है कि जिस तरह व्यक्ति अपने दांतों का ख्याल रख सकता है, कलर्ड फूड अवॉइड करके, आर्टिफिशियल फूड ना खाकर, ये सभी जितने लोग जो भी आपको देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे. दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त उस रहा एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में.